आप सभी को जय मसीह की प्रियो। आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारे YouTube चैनल गॉड जीसस इंस्पायर्ड में। आज की इस वीडियो में हम एक बहुत महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक विषय पर बात करने वाले हैं। हाँ प्रियो, हम बात करने वाले हैं बाइबल के कुछ अद्भुत वचनों के बारे में। अगर जो कोई इन वचनों को अपने मन में बार बार दोहराता है तो उसका हर रुका हुआ काम सफल हो जाता है। चाहे उसके ऊपर कितनी भी बड़ी समस्या आई हो, वो दूर हो जाती है। चाहे उसके जीवन में कोई भी परेशानी चल रही है, वो हर एक परेशानी दूर हो जाती है। और इस वचन के माध्यम से उसकी जो कोई इच्छा है वो सारी पूरी हो जाती है। तो वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें, और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो बिना स्किप किए आखिर तक जरूर देखिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहां पर कहीं सारे लोगों के मन में ये विचार आया होगा कि कैसे सिर्फ वचन दोहराने से हमारी हर परेशानी दूर हो सकती है और हमारा हर काम सफल हो सकता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि विज्ञान भी इस बात को प्रमाणित करता है कि जब हम किसी चीज को बार बार दोहराते हैं तो वह हमारे अवचेतन मन में गहराई तक बैठ जाती है। यह प्रक्रिया हमारे न्यूरॉन्स के बीच नए कनेक्शन बनाती है, जिससे हमारी सोच और व्यवहार में बदलाव आता है। कई मनोवैज्ञानिक और न्यूरोसाइंटिस्ट्स ने यह पाया है कि सकारात्मक आत्मवार्ता और वचनों को बार बार मन में दोहराने से हमारा मानसिक स्वास्थ्य और आत्मविश्वास बढ़ जाता है। जब हम बाइबल के वचनों को बार बार दोहराते हैं तो यह हमारे अवचेतन मन में प्रवेश करता है और हमारे विश्वास को मजबूत करता है। और जब हमारा विश्वास मजबूत होता है तो परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में काम करना शुरू करता है, और हम जिस काम के लिए इस वचनों का उपयोग कर रहे हैं वो हर काम सफल हो जाता है। उदाहरण के लिए, कोई वचन आप मन में दोहराते हो जैसे कि, मैं मसीह के द्वारा सब कुछ कर सकता हूं जो मुझे शक्ति देता है। जब हम इस वचन को अपने मन में बार बार दोहराते हैं तो यह वचन हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाता है, और जब हमारा आत्मविश्वास बढ़ जाता है तो यह वचन हमारे जीवन में काम करना शुरू करता है, और हम जिस काम के लिए इस वचनों का उपयोग कर रहे हैं वो हर काम सफल हो जाता है। प्रियो, बाइबल न केवल धार्मिक ग्रंथ है बल्कि यह हमें मानसिक शांति, आत्मविश्वास और जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए भी मार्गदर्शन करती है। जब हम बाइबल के वचनों को अपने मन में दोहराते हैं तो हम न केवल अपनी आत्मा को पोषण देते हैं बल्कि हम अपने जीवन में चल रही हर एक परेशानी इन वचनों के द्वारा दूर कर सकते हैं, और हमारे जो कोई अधूरा काम है जो हमसे नहीं हो पा रहा उसे इन वचनों के द्वारा पूरा कर सकते हैं। बाइबल के वचनों में एक अद्वितीय शक्ति होती है। ये वचन हमें कठिनाइयों का सामना करने, हमारी इच्छा पूरे करने, हमारा हर काम सफल करने और हमारे जीवन में चल रही हर एक परेशानी को दूर करने में मदद करते हैं। जैसे यशायाह 55:11 में कहा गया है, मेरे मुख से जो वचन निकला है वह व्यर्थ नहीं लौटेगा, परंतु वह मेरी इच्छा पूरी करेगा और जिस काम के लिए मैंने उसे भेजा है उसे सफल करेगा। यह वचन हमें बताता है कि परमेश्वर का वचन कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। अगर परमेश्वर ने दिए हुए वचनों का उपयोग जो कोई अपने जीवन में करता है तो उस वचनों के द्वारा उनकी हर एक इच्छा पूरी हो जाती है, और वह उनकी इच्छा को पूरा करने के लिए हमेशा सक्षम रहता है। और आपने जिस काम के लिए इस वचन का उपयोग किया है वो हर काम इस वचनों के द्वारा सफल हो जाता है। तो प्रियो, इस प्रकार विज्ञान और धर्म का यह मिलन हमें सिखाता है कि कैसे बाइबल के वचनों को अपने जीवन में शामिल करने से, उन वचनों को बार बार दोहराने से हम अपने हर काम सफल कर सकते हैं और सब कुछ हासिल कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इस अद्भुत वचनों के बारे में, जिन्हें आपने मन में दोहराने से जीवन में चल रही हर एक परेशानी, हर एक कठिनाई दूर हो जाती है। मैं आपको दो वचन बताने वाला हूं, इसे पूरे ध्यान से सुनिए। पहला वचन है भजन संहिता 23:1, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ कमी नहीं होगी। इस वचन को अपने मन में तब दोहराना है जब आप विभिन्न प्रकार की परेशानियों और कठिनाइयों का सामना कर रहे हो। जैसे कि मान लीजिए आप कर्ज में हैं और आपके पास पर्याप्त धन नहीं है, या आप अपनी नौकरी खो चुके हैं और आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं, तो इस वचन को आपको बार बार अपने मन में दोहराना है, जिससे आपकी ये बात, आपकी ये सोच अवचेतन मन में जाती है, और यह वचन हमारे आत्मा की विश्वास शक्ति को बढ़ाता है। और जब हमारा विश्वास मजबूत होता है तो परमेश्वर का यह वचन हमारे जीवन में काम करना शुरू करता है, और आप जिस काम के लिए, जिस समस्या के लिए इस वचन का उपयोग कर रहे हैं
परमेश्वर के इस पवित्र वचन के द्वारा आपके जीवन में चल रही सारी आर्थिक समस्या खत्म हो जाएगी और यह वचन आपके लिए नए अवसर प्रदान करेंगे। सिर्फ इस वचन को बार बार आपने मन में दोहराना है, फिर चाहे कोई भी परेशानी हो और कठिनाई हो, उसका समाधान आपको मिलेगा ही, क्योंकि प्रभु ने उनके वचनों द्वारा हमें कहा है कि मेरे मुख से जो वचन निकला है वह व्यर्थ नहीं लौटेगा, परंतु वह मेरी इच्छा पूरी करेगा और जिस काम के लिए मैंने उसे भेजा है उसे सफल करेगा। तो चलिए अब जानते हैं दूसरे वचन के बारे में। दूसरा वचन है फिलिप्पियों 4:13, मैं मसीह के द्वारा सब कुछ कर सकता हूं जो मुझे शक्ति देता है। यह वचन मैंने आपको उदाहरण के तौर पर पहले भी बताया हुआ है। इस वचन को अपने मन में तब दोहराना है जब आप विभिन्न प्रकार की चुनौतियां और समस्या का सामना कर रहे हो, जैसे कि स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो, शैक्षणिक चुनौतियां हो, करियर की चुनौतियां हो या पारिवारिक समस्याएं हो। चाहे आपके विरुद्ध कोई भी चुनौती हो या समस्या हो, आपको इस वचन को अपने मन में बार बार दोहराना है। मान लीजिए आपको कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या है, आप या आपका कोई प्रिय व्यक्ति गंभीर बीमारी से जूझ रहा है, तो आपको अपने मन में बार बार यह वचन दोहराना है। इस वचन को दोहराने से वो हर एक चुनौतियां, हर एक समस्या मिट जाएगी। यह वचन आपको साहस और धैर्य प्रदान करता है कि मसीह के द्वारा आप इस मुश्किल समय को पार कर सकते हैं। शैक्षणिक क्षेत्र में भी आप इस वचन को दोहरा सकते हो। मान लीजिए आप किसी शैक्षणिक चुनौतियों का सामना कर रहे हो, यानी आप कठिन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो, या आप किसी परीक्षा या प्रोजेक्ट में असफल हो गए हो, तो आपको यह वचन बार बार अपने मन में दोहराना है। यह वचन आपको आगे बढ़ने और प्रयास जारी रखने की प्रेरणा देता है और आपकी हर चुनौतियों को पार करके आपको उस शैक्षणिक क्षेत्र में सफलता दिलाता है। तो प्रियो, ये दो वचन है जिसे आपको ध्यान में रखना है और आपने मन में बार बार दोहराना है। यदि आप इन वचनों को याद नहीं रख पाते तो इन वचनों को एक डायरी में लिख कर रखिए, जिससे आपको उन्हें याद रखने में मदद मिलेगी और उनका महत्व और गहराई से समझ में आएगा। जब भी आप कोई अच्छा कार्य करने जा रहे हो या किसी परेशानी में फंस गए हो या लग रहा है किसी मुसीबत में आप फंसने वाले हो, तो उससे पहले आप यह वचन अपने मन में दोहराना है, जिससे आपका वो काम बिना किसी बाधा के इन वचनों द्वारा पूरा हो जाएगा। हमारे चर्च के कई लोगों ने इस वचन के माध्यम से अपने सारे काम सफल कर लिए हैं। मुझे यकीन है कि आप भी बाइबल के इन दो वचनों का उपयोग करके अपने जीवन में चल रही सारी परेशानियां, सारी कठिनाइयां दूर करके हर काम सफल कर पाओगे। मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर आप इन दो वचनों को मैंने बताए उसी तरह अपने मन में बार बार दोहराते हो, तो आपके जीवन में चलने वाली हर एक परेशानी और हर एक कठिनाई दूर हो जाएगी और आपका हर काम सफल हो जाएगा। यदि आपके जीवन में कोई और परेशानी है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। उस समस्या से निकलने के लिए मैं आपको परमेश्वर का पवित्र वचन अपने मन में दोहराने के लिए बता दूंगा। यदि आप भी हमारी तरह प्रभु येशु को अपना पिता मानते हो और उनके वचनों को अपना जीवन मानते हो, तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में आमीन टाइप जरूर करें। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आमीन।